Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry. Today we will continue with our daily English part number 33. पहले भी आपने बहुत कुछ सीखा है कि हम बच्चों के साथ कैसे और किस तरह से कन्वर्सेशन करें. तो इसी तरह से ये एक और कन्वर्सेशन वीडियो है कि आप बच्चों के साथ डेली में कैसे बात करेंगे, कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे. जैसे कि बच्चे का गला ख़राब है, हम कहते हैं ठंडा पानी मत पियो. बाहर गर्मी से आकर एकदम एसी रूम में बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं एकदम से मत बैठो. तो इसी तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम डेली में बच्चों को देते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी डेली इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. यू विल गेट सो मैनी वीडियोज़, मोर दैन 50 वीडियोज़ ऑन डेली इंग्लिश ऑन माई चैनल. एंड इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल माई न्यू अपलोड. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट सेंटेंस. जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, तुम्हारा गला ख़राब है. यू हैव अ सॉर थ्रॉट, यू हैव अ सॉर थ्रॉट, तुम्हारा गला ख़राब है. ठंडा पानी मत पियो, डोंट टेक चिल्ड वाटर, डोंट टेक चिल्ड वाटर. ठंडी चीज़ें मत खाओ, ठंडी चीज़ें मत खाओ. चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आइसक्रीम हो सकती है, एनीथिंग, इट कैन बी एनी. डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स, डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स. गला बैठा है या गला ख़राब है तो गरारे कर लो. गरारे करने को कहते हैं गागल, गागल योर सॉर थ्रॉट, गागल योर सॉर थ्रॉट. सॉर थ्रॉट जो है वो हम किसी भी केस में कह सकते हैं. जैसे आपके गले में खराश है, गला सूजा हुआ है या कुछ भी इस तरह से गले में कोई भी प्रॉब्लम है. तो तुम्हारी नाक तो पहले से ही बह रही है. योर नोज इज़ ऑलरेडी रनिंग, योर नोज इज़ ऑलरेडी रनिंग. डोंट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, डोंट टेक आइसक्रीम. मैं इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि सुनकर आपको लर्न हो जाए. कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं आप जल्दी में ही बोल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग ऑल द सेंटेंसेस. अब कई बार बच्चा कहता है कि नहीं मम्मा प्लीज़ खाने दो, हम कहते हैं ठीक होने के बाद खा लेना. टेक आइसक्रीम आफ्टर गेटिंग वेल. बाहर से बच्चे एकदम आते हैं, इसी रूम में बैठ जाते हैं ताकि हमें होता है कि बीमार ना हो जाएं. डोंट सिट इन एसी रूम आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉट, डोंट सिट इन एसी रूम आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉट. इसी तरह से आप उल्टा भी बोल सकते हैं. अगर बच्चा जो है वो गर्म कमरे में हीटर लगा हुआ है और वो बाहर से ठंड से आ रहा है, तब भी आप इस तरह से बोल सकते हैं. तुम बीमार हो जाओगे, यू विल गेट सिक, You will get sick. अरे तुम्हें तो सर्दी हो गई है. अब क्या है कि बच्चे को अगर सर्दी हो गई, जैसे कि जुकाम हो गया हम कहते हैं, देन यू हैव कॉट कोल्ड, यू हैव कॉट कोल्ड. अब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जैसे गीले बाल लेकर या एकदम सिर धोया है और बाहर निकल जाते हैं तो हमें लगता है कि ठंड में या किसी ऐसे मौसम में एकदम से बीमार ना हो जाए. You will catch cold if you go outside with your hair wet. You will catch cold, तुम्हें cold हो जाएगा if you go outside with your hair wet, अगर तुम अपने गीले बाल लेकर बाहर जाओगे. या फिर जैसे हम कहते हैं बाहर ठंड है, तुम्हें बाहर सर्दी हो जाएगी, एकदम से अभी के अभी अंदर आओ. You will catch cold if you don't come inside the house immediately. You will catch cold if you don't come inside the house immediately. अरे तुम्हें तो खांसी हो गई है. You have caught cough. खांसी means cough, जुकाम means cold. You have caught cough. मुंह ढककर खांसी करो. कई बार बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमें ऐसी चीज़ों के लिए. Cover your mouth when you cough. Cover your mouth when you cough. या फिर हम कहते हैं हाथ रखकर खांसी करो, ठीक है. या फिर छींक आ गई है तब भी हम बच्चे को कहते हैं अपने हाथ से ही कवर कर लो. यॉन मींस उबासी लेते समय अपने मुंह पे हाथ रखो.
तो इनमें से किसी भी केस में अगर हम कहना चाहते हैं कि अपने मुंह पे हाथ रखो, देन वी कैन से पुट योर हैंड ओवर योर माउथ, पुट योर हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ, या फिर आगे से आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं व्हेन यू स्नीज और व्हेन यू यॉन. अरे तुम्हें तो बुखार है, यू लुक फीवरिश, यू लुक फीवरिश. डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, नीड टू सी द डॉक्टर, नीड टू सी द डॉक्टर. अब डॉक्टर के पास गए हैं, बुखार है या उल्टियाँ आ रही हैं, जैसे हम कहते हैं कि इसको तो उल्टियाँ लगी हैं, ही इज़ पकिंग कॉन्टीन्यूसली, जैसे कॉन्टीन्यूसली वॉमिटिंग्स आ रही हैं, ही इज़ पकिंग कॉन्टीन्यूसली. दिखाओ कहाँ चोट लगी है, शो मी वेयर यू गेट हर्ट, शो मी वेयर यू गेट हर्ट. इस पर बैंडेड लगा लो, कई बार हल्की सी खरोंच होती है तो हम कहते हैं इस पर बैंडेड लगा लो, अप्लाई बैंडेड ऑन इट, अप्लाई बैंडेड ऑन इट. या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, अप्लाई मेडिसिन ऑन इट, या फिर हम कहते हैं कि मुझे दवाई लगाने दो, लेट मी अप्लाई मेडिसिन ऑन इट, लेट मी अप्लाई मेडिसिन ऑन इट. दिस इज़ द वर्ड एक, एक मीन्स दर्द. अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह के दर्द को बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है स्टमक एक, आपके पेट में दर्द है अगर, देन वी कैन से आई हैव अ स्टमक एक, या उसके पेट में दर्द है, ही हैज़ स्टमक एक. इसी तरह से आपको अगर हेडेक है, हेडेक मीन्स सिर दर्द है, आपके कई बार बच्चे के दांत में दर्द होता है, हम कहते हैं टूथएक. इसी तरह से आप जो जहाँ भी दर्द होता है हम उसको एक वर्ड के साथ जोड़ सकते हैं. अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अक्सर जो वैक्सीनेशन है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद होता रहता है, टीकाकरण जिसको हम कहते हैं, तो हम जैसे कहते हैं कि अरे इस हफ्ते तो इसका टीकाकरण भी करवाना है, हिज़ वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक, या फिर हिज़ वैक्सीनेशन इज़ ड्यू, हिज़ वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक. अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने जो हम डेली अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी डेली इंग्लिश सीखने के लिए जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, अपने घर पे बोलते हैं, या किसी बाहर गए हैं होटल में आपने कैसे बुकिंग करवानी है, या बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखना चाहते हैं क्लासरूम में कैसे बोलें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.